तो हाँ दोस्तों नमस्कार, आप देखो GSMOreon, मैं हूं आकाश। टाइटल देख लिया, बात हो रही है ओरियो के फुल स्क्रीन गेस्चर की। मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि यहां पे तो एंड्रॉइड पी आ गया, बात हो रही है अभी ओरियो की, तो इसी बात को आपका डाउट क्लियर करूंगा आगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूं, ऑलरेडी एंड्रॉइड पी आ चुका है। तो यहां पर वीडियो बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी है, आप लोगों के क्वेश्चन थे, आप लोगों के डाउट थे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखाया है, जो दोस्तों ने पूछा था। तो यहां पर यही चीज आपको मैं क्लियर करूंगा कि जो फुल स्क्रीन गेस्चर है एंड्रॉइड में अलग अलग डिवाइसेस में कैसे काम करता है। यहां पर चार डिवाइसेस आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें नोकिया 7 प्लस होगा, MI का मिक्स 2 होगा, OPPO का F7 होगा और Motorola X4 होगा। ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगी, Samsung की किसी भी डिवाइस में आपको ये अपडेट नहीं मिलता, चाहे आप S9 प्लस यूज कर रहे हो, चाहे आप Note 8 यूज कर रहे हो, चाहे S8 प्लस यूज कर रहे हो। यहां पर एक बात और है कि जो Motorola है X4, वहां उसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फुल गेस्चर के लिए काम करता है, जैसे कि हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर हम करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, जानिए ये फुल गेस्चर कैसे काम करेगा अलग अलग डिवाइसेस में, बाकी हम बात करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर चार डिवाइसेस मेरे पास है, नोकिया 7 प्लस और उसके बाद Xiaomi का Mi Mix 2, उसके बाद Motorola का X4 और यहाँ पर OPPO F7। और भी डिवाइसेस है मेरे पास जिसमें ये फीचर मिलता है, पर उनमें ये सेम मिलता है जो इन डिवाइसेस में मिलता है। तो यहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हो पूरा देखिए, अगर आप इन गेस्चर्स को देखना चाहते हो कि क्या डिफरेंस मिलता है अलग अलग डिवाइसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट कैची है थोड़ा, तो आपको निशान दिख रहे होंगे, तो इसका तो चलो कुछ नहीं कर सकते। शुरू करते हैं यहाँ पर नोकिया 7 प्लस से। तो सभी लोगों के यहाँ पे डाउट था कि मेरे पास ये एप्पल वाला जो गेस्चर है कैसे काम कर रहा है और मुझे ये कैसे मिला। तो पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ, सिस्टम में जाता हूँ, अबाउट में जाता हूँ। यहाँ पर आप मॉडल देख लीजिए, अपडेट देख लीजिए, ठीक है। एप्पल का पैच मिलता है और उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है गेस्चर्स में। गेस्चर में जाओगे, यहाँ पे नेविगेशन बार, नेविगेशन अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहां पर गेस्चर को यूज करता हूं तो वो हाइड कर देगा नेविगेशन को। और यहां पर आप लेआउट भी यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करना चाहो, चाहे बैक बटन को आप लेफ्ट पे रखो, चाहे होम बटन को। मैंने बैक बटन को लेफ्ट में रखा हुआ है, अभी मैं सेंटर से स्वाइप करूंगा तो ये होम बटन का काम करेगा। मैं जाता हूं कैमरा में, ठीक है। अगर मैं राइट स्वाइप यहां पे करूंगा, मल्टीटास्किंग में आ गया, मैं एक बार फिर करूंगा तो वो मुझे बैक उसी एप्लीकेशन में ले आएगा, जैसे कि ऐप स्विच होता है मल्टीटास्किंग से। तो मैं एक बार फिर करूंगा तो यहां पर कैमरा में आ जाऊंगा, उसके बाद होम पे जाऊंगा तो ये होम पे आ गया। अभी मैं यहां पर जाता हूं प्ले स्टोर में और मुझे बैक आना है, मैं लेफ्ट से स्वाइप करूंगा, बैक आ गया, ठीक है। एक बार फिर मैसेजिंग में जाता हूं, बैक आ गया। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि नोकिया 7 प्लस में ये फीचर कैसे काम करता है और मिलता है। उसी तरह यहां पर Xiaomi का है Mi Mix 2, जो Xiaomi ने भी अपना ये फीचर दिया है फुल स्क्रीन, जिसे ये बोलते हैं। सेटिंग में जाएंगे, यहां पर नीचे आएंगे और यहां पर हमें देखने को मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले में क्या है कि जब आप यहां पर नॉर्मल यूज करते हो तो आपको होम बटन मिल जाता है, जो भी है, जो नेविगेशन कीज हैं। अगर हम यहां पे फुल स्क्रीन में जाते हैं तो यहां पर ये इसे हाइड कर देता है। अभी यहां पर आपने क्या करना है कि जब आप होम बटन दबाओगे, यहां पर ऊपर स्वाइप करोगे, आप होम में आ गए। और अगर आपने बैक जाना है, मान लो यहां पर हो आप किसी भी ब्राउजर में या विंडो में, आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तब भी वापस आ जाओगे, आप यहां से राइट से स्वाइप करोगे तब भी वापस आ जाओगे। ये मुझे काफी बढ़िया लगा फीचर। आप चाहे दाएं या बाएं हाथ से कैसे भी डिवाइस को यूज करें, और अगर आपने इस गेस्चर को यूज करना है तो आराम से आप ऐसे यूज कर सकते हो, ये राइट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से। तो यहां पर ये भी आपको पता चल गया कि Xiaomi कैसे देता है। उसके बाद बात आती है OPPO की। OPPO ऑलमोस्ट यहां पर जो गेस्चर है सेम देता है जैसे Nokia देता है या Xiaomi, पर यहां पर और भी ज्यादा यहां पर गेस्चर की फीचर दी गई है। यहां पर सेम हमें वैसे ही करना है कि आपने यहां पर वर्चुअल की नेविगेशन यूज करना है या फिर स्वाइप अप जो गेस्चर है उसे यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर जो मैं गेस्चर यूज कर रहा हूं इसमें, वो है ये एप्पल वाला। ऑलमोस्ट सेम आपको एप्पल वाला गेस्चर मिलता है, जैसे हम यहां पर करेंगे क्लिक होम पे आ गए, ठीक है। कहीं भी हम यहां पे क्लिक करेंगे, स्वाइप करेंगे नीचे से तो होम पे आ जाएंगे। आपने मल्टीटास्किंग में जाना है, इसे ऐसे होल्ड कर लो, आप मल्टीटास्किंग में आ जाओगे। तो इस तरह ये काम करता है। और यहां पर आप इसे चेंज भी कर सकते हो, अलग अलग इसमें फीचर दिए गए हैं। OPPO की जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको दिखा दूंगा। यहां पर ये भी आपको क्लियर हो गया कि OPPO में ये कैसे फीचर आपको मिलती है। लास्ट में आता है Motorola X4। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, मैंने आपको बताया भी है कि जो डिवाइस आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ मिलेगी उसमें ये फीचर
बिल्कुल अलग तरह से मिलेगा। ओरियो जो मिलता है मोटरोला में चाहे ओनर व्यू 10 में, सेम फीचर हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट काम करेगा एज ए गेस्चर की। तो मोटो एक्शन में जाता हूँ, यहाँ पर अगर आप वन ऐप जैसे हाइड कर दोगे तो नीचे बटन आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो नेविगेशन ऑन हो गया। अभी यहाँ पर मैं होम पे आ गया, अगर मैं राइट स्वाइप करूंगा ये देखिए मल्टीटास्किंग आ गई, अगर मैं लेफ्ट स्वाइप करूंगा ये बैक आ गया। ये देखिए यहाँ पे मैसेजिंग में ब्राउज़र में गया, मैंने लेफ्ट स्वाइप किया वापस आ गया, फिर लेफ्ट स्वाइप किया वापस आ गया, राइट स्वाइप किया तो मल्टीटास्किंग आ गई। तो एक बार दबाऊंगा होम आ गया। इसे भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहते हो। अलग अलग उन्होंने फीचर अंदर दिए हुए हैं कि कैसे आप इसे यूज करना चाहते हो और कैसे चेंज करना चाहते हो। सेम उसे आप लेफ्ट स्वाइप को लेके जा सकते हो मल्टीटास्किंग में और राइट स्वाइप को बैक में। तो यहाँ पर अगर आपके पास डिवाइस है फिंगरप्रिंट स्कैनर सामने जो होता है उसकी, जिसे मेट 10 प्रो है या दूसरी और डिवाइस है ओनर व्यू 10 है, तो उसमें ये ओरियो का फीचर आपको कुछ ऐसे मिलेगा। तो चलिए बाकी बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ये फुल गेस्चर जो है फुल स्क्रीन गेस्चर काम एक्चुअली कैसे करता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो Motorola Honor View 10 जैसी डिवाइसेज हैं जिनका फिंगरप्रिंट आपको सामने देखने को मिलता है, वहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर को ही यूज किया जाएगा एज ए गेस्चर। और उसके बाद Xiaomi का अपना स्टाइल है फुल स्क्रीन गेस्चर का। स्टॉक एंड्रॉइड में Nokia आपको अलग तरीके से देता है, और OPPO की बात करूं तो OPPO आपको हर तरह से देता है। उसमें आपको 5-6 तरह गेस्चर यूज कर सकते हो, जिसमें आईफोन की तरह भी यूज कर सकते हो, Nokia की तरह भी यूज कर सकते हो, Xiaomi की तरह भी यूज कर सकते हो। तो काफी वेरिएशन यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। मुझे आशा है कि अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं कोई रूटिंग नहीं मैंने की है, कोई यहां पर ट्वीक नहीं यूज किया इस गेस्चर को यूज करने के लिए। अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिली, आपकी डिवाइस में जल्दी मिल जाएगी और आप भी ये गेस्चर जल्दी यूज कर पाओगे। पर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि उनको भी ये डाउट क्लियर हो जाए अगर फुल स्क्रीन गेस्चर का डाउट उनको है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबाना ये बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन का इशू ना रहे। और हाँ, सब्सक्राइब तभी कीजिए अगर कॉन्टेंट पसंद आता है। हम मिलेंगे जल्दी ऐसी नई टेक्निकल वीडियो में। उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ट्विटर के ऊपर एक तो नोटिफिकेशन स्किप नहीं होगा, दूसरा आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाओगे, तीसरा इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर सनी अपडेट करता है हमेशा रेंडर और लीक्स आपके लिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।